हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। ये सावन मास चल रहा है, ये थर्ड सोमवार है, तो मैंने अपने व्रत के लिए साबूदाना का खिचड़ी बनाया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम साबूदाना, मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा है। आप लोग 5 से 6 घंटा भिगोने से हो जाता है। तो मैंने सब्जी के साथ बनाऊंगी, और मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है 100 ग्राम। मैंने सब्जी में लिया है गाजर, थोड़ा सा बीन्स, आलू, एक टमाटर लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, एक थोड़ा सा अदरक ले रही हूँ 1/2 इंच, मैं थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ पाउडर। मैं ये तेल में दूंगी सूखी मिर्च और जीरा और तेजपत्ता। तो मैंने इधर एक कढ़ाई लिया, तो कढ़ाई गरम हो गया तो मैं मूंग दाल को फ्राई कर रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसका बहुत अच्छा एक खुशबू आती है, तब उसको निकाल देना है। ये देखिए हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, निकाल रही हूँ मैं एक डिश पे। मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो के अब मैं साफ पानी डाल रही हूँ। मैं इधर बैठा के अब थोड़ा सा दूंगी नमक। इधर दाल हो रहा है, तो तब तक हम दूसरे एक कढ़ाई ले रहे हैं, तो उसमें दे रहे हैं तेल। तेल गरम हो गया है तो हम दे रहे हैं जीरा, सूखी मिर्च, तेजपत्ता तेल में दे रहे हैं। थोड़ा सा चला के दे रहे हैं आलू। यहाँ पे थोड़ा सा नमक दूंगी, ये बहुत अच्छा कलर भी आता है और जल्दी पक भी जाता है। दाल देख रहे हैं तो दाल उबल आ गई है, जो ऊपर का जो झाज है उसको निकाल देना है। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ गाजर। फिर दे रही हूँ थोड़ा सा चला के बीन्स। जो टमाटर था वो भी दे दिया। थोड़ा सा चला के अब मैं थोड़ा एक एक करके दे रही हूँ मसाले। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं दूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर दिया। मैं थोड़ा सा चीनी दूंगी, चीनी इसलिए दिया क्योंकि बैलेंस करता है, जो मसाले सबको बैलेंस करता है, अच्छा फ्लेवर आती है। तो थोड़ा सा मैं ग्रेट करके अदरक दे रही हूँ। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर पसंद ना है तो ना दे। तो 2 हरी मिर्च दिया। मैं नमक दे रही हूँ, आगे भी मैंने नमक दिया है, ध्यान में रखना है। तो अब मैं दाल हो गया था तो बॉयल दाल दे रही हूँ, मैंने दाल में भी नमक दिया है, तो अपना टेस्ट के हिसाब से नमक दे। अब मैं भिगोया जो साबूदाना दे रही हूँ, मैं बिल्कुल लास्ट में देना है, सब्जी जब पक जाता है तब देना है। अब मैं ढक के रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, गैस का फ्लेम लो है। मैंने तो अपने व्रत के लिए साबूदाना खिचड़ी बना लिया, आपने क्या बनाया कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट में दे रही हूँ थोड़ा सा मैं गरम मसाला गार्निश कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा घी दे रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। धनिया पत्ता देके मैं गार्निश कर रही हूँ। रेडी हो गया, अब सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ साबूदाना खिचड़ी, ये दूसरा है।
बहुत तरीके से बनाया जाता है, तो इसी तरह से आप भी बना लेना और कमेंट्स करके बताना कैसा हुआ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए।